नवमो अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बताया है। भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय शक्ति को देखकर कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने वाला संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश में प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती हैं और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाला मूढ़ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी जोग माया से संसार के उदार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों के सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों के कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान योग के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वाधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने जो पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। प्राप्त होने जो परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रतिउपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोमरस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर
स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोगों को भोगकर पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनाओं वाले पुरुष बार बार आगमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरी चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उसका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करते हैं, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है और जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ शुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनमें मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाग से मेरे भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही हैं, मानने योग्य हैं, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसमें भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरी भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप जोनी चंडाल आदि जो कोई भी हो, वह भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तो सुख सहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरी ही भजन कर। मुझको भजने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजा करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। 10वां अध्याय। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का ही वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग अध्याय का नाम रखा गया है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित को इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों के भी आदिकारक कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने वाले की शक्ति यथार्थ ज्ञान असम्य मूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रियों का वश में करना मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप ज्ञान कृति और अपकृति ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार से भाव मुझ में ही होते हैं। 7 महर्षि जन
चार उसमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा श्याम्भू आदि 14 मनु ये मुझ में ही भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा हैं। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूतियों को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह नीचे भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में लगने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए इस गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और संपूर्ण भक्त जिने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप से जोग देता हूँ, जिसमें वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उसके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही। हे भूतों का उत्पन्न करने वाले, हे भीतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे जोगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भाव में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, अब मैं जो दिव्य विभूति हैं उसको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदिति के 12 पुत्रों में, विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वासुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखा वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप जगे और स्थित रहने वाले हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च सरवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ।
मैं नागों में शेषनाग जल चरों अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में जमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णयक लिए किए जाने वाला बाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और साम सुम में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कृति श्री बाक स्मृति मेधा घृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने वाले श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभाव वाले पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वाला का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जीतने वालों की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने जो भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझ में रहित हो। मैं परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य जो कांति युग और शक्ति युक्त वस्तु हैं उन सबको तू मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 11वां अध्याय 11वां अध्याय इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप और उसके अस्तवन का ही प्रकरण है, इसलिए इसे अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग रखा गया है। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे जोगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदि जोगों का अर्थात आदिति के द्वादश पुत्रों की 8 वसुओं को 11 रुद्रों को 2 अश्विन कुमारों को और 49
मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझको दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महाजोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों का हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंधों का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों की एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कजातीत ही हो। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा सहित भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं आपके शरीर से में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों के तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गधा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने युक्त और सब ओर से अपरमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत मध्य से युक्त, अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आपसे प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ रहे आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ी के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दे दीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और आकाशमान प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ी के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदाय सहित
आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ी के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोह वश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत के तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों के श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानता हूँ क्योंकि मैं आपको प्रकृति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब मेरे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। एतयो, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन्य धान से संपन्न राज्य को भोग। यह सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध के लिए बैरियों को जीतेगा, इसीलिए युद्ध कर। संजय बोले, हे केशव, भगवान इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति बदगद वाणी बोला। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही हैं कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सचिदागन ब्रह्म है वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्व रूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अर्थात प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे सबसे हठास कहा है, और हे अचित, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, सया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है।
फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। एतयो हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने जो आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उन अपने चतुर्मुख विष्णु को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला और मैं न वेद यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूर्ता भी नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्यपुर मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस शांति मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुम्हें देखा है यह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों में से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण हैं, मेरा भक्त हैं, आसक्ति रहित हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित हैं, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है।